दोस्तों हर किसी की नजर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है क्योंकि इलेक्शन की डेट्स भी उन्हीं के अनाउंस की गई हैं और वोटिंग भी बहुत जल्द उन्हीं राज्यों में होनी है। हर कोई इसी बात को लेकर सस्पेंस में है कि हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। कोई कहता है 15 सीटें आएंगी, कोई कहता है 20 सीटें आएंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर भी तमाम तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच एक सर्वे आ गया एक ऐसे राज्य को लेकर जिसके तो इलेक्शन की डेट भी अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन ये राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह है देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, एक ऐसा राज्य जहां हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने। दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं, नवंबर के आसपास महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएंगे ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया हो लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ होगा ये इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था। महाराष्ट्र जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में जाकर बाकायदा माफ़ी मांगी, मतलब प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते नहीं हैं इजीली, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटना और उसके बाद से एनडीए सरकार लगातार सवालों के घेरे में आना, एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना बहुत एक भारी मुसीबत थी एनडीए के लिए, जिसके लिए मोदी जी समझ रहे थे कि उनका माफ़ी मांगना ही ठीक है क्योंकि मोदी जी ने 8 महीने पहले उस मूर्ति का अनावरण किया था और 8 महीने वो मूर्ति टिक नहीं पाई तो मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या वाकई ये माफ़ी काफ़ी होगी? दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर एक सर्वे आया है, सर्वे ऐसा जो मोदी बीजेपी और आरएसएस के पैरों तले जमी खिसका देगा क्योंकि इस सर्वे में दोस्तों महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकलता दिख रहा है। लोक पोल जिन्होंने अपने एग्जिट पोल में काफ़ी हद तक जो नतीजे थे लोकसभा चुनाव में उसके करीब अपना एग्जिट पोल दिया था, हालांकि उतना सटीक तो कोई भी नहीं बैठ पाया था, लेकिन लोक पोल उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों जिसने लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक इंडिया गठबंधन को वो बढ़त दिखाई थी जो बढ़त इंडिया गठबंधन को मिली भी। बाकी चैनलों ने तो मोदी जी को 300+ 400+ पता नहीं उनका बस चलता तो 500+ भी दे देते, लेकिन लोकपोल ने लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिखाए थे वो थोड़े करीब थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के अलावा। और इसके साथ साथ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में लोकपोल एकदम सटीक साबित हुआ था। तो लोकपोल ने दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वे किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। मैं चाहती हूँ कि आप इस सर्वे को बड़ा गौर से देखें क्योंकि न केवल सर्वे किया है लोकपोल ने बल्कि वजह भी बताई कि वो जो सीटें दे रहा है वो जो वोटिंग प्रतिशत दे रहा है गठबंधनों को क्यों दे रहा है। अब महाराष्ट्र में दोस्तों दो गठबंधन आ गए, इंडिया गठबंधन और एनडीए, ठीक है, तो दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों गठबंधन का क्या स्थिति है जमीन पर ये बताया गया है लोकपोल के सर्वे में। दोस्तों महाराष्ट्र में जो कुल सीटें हैं वो है 288 यानी कि 288। अब 288 सीटों में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 है, 145। अगर 145 सीटें किसी भी गठबंधन को आती हैं चाहे वो इंडिया गठबंधन है, महागाड़ी गठबंधन है या फिर एनडीए गठबंधन है, तो उसकी सरकार बन जाएगी, उस गठबंधन की सरकार बन जाएगी। दोस्तों लोकपोल के सर्वे में बताया गया कि उसने 150,000 का सैंपल साइज है, हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बहुत बड़ा सैंपल साइज तो इसे नहीं कहा जाएगा लेकिन बहुत छोटा भी नहीं कहा जाएगा। महाराष्ट्र में 150,000 लोगों से मतलब उसने राय ली है और उसमें जो उसका निष्कर्ष मिला है वो ये मिला है कि एनडीए को मिलेंगी 38% से लेकर 41% वोट शेयर और सीटें 115 से 128, यानी कि एनडीए बहुमत से दूर बताया गया है इस सर्वे में महाराष्ट्र में। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि महाआघाड़ी गठबंधन को 41 से 44% के आसपास का वोटिंग प्रतिशत का उछाल और जो सीटें हैं वो 141 से 154 तक, मतलब महाआघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, बहुमत का आंकड़ा छूता हुआ कम से कम इसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ निर्दलीय भी हैं जो बहुत मजबूती से जीते आए हैं और कुछ छोटी पार्टियां भी हैं जिनसे अभी महागाड़ी की बातचीत चल रही है तो वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें भी करीब 15 से 18% का वोट शेयर दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 18% का वोट शेयर तो काफ़ी होता है, 5 से 18 सीटें भी दी गई हैं इन अदर्स को। लेकिन महत्वपूर्ण आप देखिए कि वोट शेयर में करीब 4 से 5% का वोट शेयर का फ़र्क है महागाड़ी में और एनडीए में, लेकिन सीटों का फर्क काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सर्वे में एक और चीज़ है दोस्तों कि जितनी बुरी हालत बीजेपी की या फिर एनडीए की बताई जा रही है उतनी बुरी हालत तो इस हिसाब से नहीं है, मतलब इसका मतलब महाराष्ट्र में ठीक ठाक चुनाव देखने को मिल सकता है। शायद इसी वजह से मोदी जी
वक्त से पहले महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो क्या ये रिपोर्ट इसका मतलब सरकार के पास भी हो सकती है कि भाई महाराष्ट्र में फाइट की जा सकती है अगर आप ठीक से चुनाव लड़ते हैं तो? हालांकि दोस्तों ये जो सर्वे बता रहा है इसको अगर आप कंपेयर करें 2019 में जो विधानसभा चुनाव हैं तो उसमें बहुत फ़र्क है। हालांकि 2019 में तो स्थितियाँ भी अलग थीं, तब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी वो दो हिस्सों में नहीं बटी थी, तब शरद पवार की पार्टी दो हिस्सों में नहीं बटी थी, सिंपल था, चार पार्टियां थी, अब वहां पर चार की जगह छह पार्टियां हो गई हैं, तो समीकरण तो पूरी तरह से बदल गए हैं ना। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में आपके सामने रख दूँ, तो 88 सीट में से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी। दोस्तों बीजेपी को मिली थी 105 सीटें, शिवसेना को मिली थी 56 सीटें। दोस्तों यहीं से शिवसेना का जो अलगाव है वो शुरू हुआ बीजेपी से, क्योंकि शिवसेना का ये कहना था कि आपने कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा तो आप हमारा मुख्यमंत्री बनाइए। यहीं दोनों का टकराव शुरू हुआ, फिर शिवसेना ने गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी से और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर। इसके अलावा NCP 54 सीटें यानी कि 54 सीटें मिली थी, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी रही थी 44 सीटों के साथ। लेकिन स्थितियाँ बदल गई, अब स्थितियाँ ऐसी बदली देखिए लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव जहाँ 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया। 13 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती अकेले और बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई 9 सीटों के साथ। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जिन्होंने कुछ महीने पहले अपनी नई पार्टी बनाई नए सिंबल के साथ, उनको 9 सीटें मिली हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों शरद पवार जिन्होंने नई पार्टी बनाई नए सिंबल के साथ, उनको 8 सीटें मिली, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली और अजित पवार सबसे बड़े लूजर रहे 1 सीट के साथ। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने शानदार परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, और पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की स्थितियों में महाराष्ट्र में बहुत परिवर्तन आ गया है। लोकपोल के सर्वे में दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कही गई हैं, मैं चाहती हूँ कि उस पर भी हम लोग ध्यान दें, क्योंकि इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रहे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गाँव देहात में जो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या है महाराष्ट्र में जो कि लोगों के लिए एक मुद्दा है, तो इस पर वोट पड़ सकते हैं, मतलब ये मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र प्राइड यानी कि मराठा अस्मिता की जो बात है, तो शिवसेना के सांसद संजय राउत बार बार उस मराठा अस्मिता का जिक्र करते रहते हैं, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र के कंपैरिजन का जिक्र करते रहते हैं कि देखिए सारा जो इंडस्ट्री है उठा उठा के कंपनियाँ वो सारी महाराष्ट्र से उठाकर इन लोगों ने गुजरात भेज दी, और ये जाहिर तौर पर ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में NDA को बार बार घेरती है विपक्ष। इसके अलावा यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण की पॉइंट निकल कर आया है इस सर्वे में लोकपोल के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर उभरी है और कांग्रेस का जो फर्क है वो ग्राउंड पर दिखाई दिया है, लोगों ने उस फर्क को महसूस किया है। एक और बात दोस्तों कि बीजेपी भारी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, वो इस सर्वे में भी लोकपोल के सर्वे ने बताया है कि बीजेपी इस वक्त भारी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, और एग्जैक्टली यही चीज रिफ्लेक्ट हुई थी लोकसभा चुनाव के नतीजों में। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस सर्वे में निकल कर आया वो ये कि लोगों ने NCP यानी कि शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना, और लोकसभा चुनाव में भी एग्जैक्टली यही बात साबित हुई। नहीं तो आप खुद सोचिए दोस्तों, हमारे देश में आज भी जो आम वोटर है, खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके का वोटर है, वो लाइनों में लगता है और वो जब EVM में बटन दबाता है तो वो पार्टी का नाम नहीं पढ़ता, वो देखता है कि किसका चिन्ह है, वो कमल का चिन्ह देखता है, वो पंजे का चिन्ह देखता है। मतलब इस चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज यही था उद्धव ठाकरे के सामने भी और शरद पवार के सामने भी कि वो बिल्कुल एक नए चिन्ह के साथ जा रहे थे, नई पार्टी के साथ जा रहे थे, उसके बावजूद भी अपने पहले चुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन करना, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना और शरद पवार की जो NCP है उसी को असली NCP माना, और ये सबसे बड़ी हार है NDA की और यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो शरद पवार हैं वो इस समय इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र में रणनीतिकार हैं, मतलब पूरा का पूरा जो चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो शरद पवार की देखरेख में किया जा रहा है, शरद पवार ही इस पूरी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र के चाणक्य इस वक्त शरद पवार हैं, और जो चेहरा है वो उद्धव ठाकरे हैं, यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी मजबूती है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की ही सरकार गिराई गई थी, उसके बाद
एक नई सरकार बनाई गई थी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये एक्चुअली जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री का चुनाव है। इससे पहले जो चुनाव हुआ वो तो प्रधानमंत्री का चुनाव था। तो इस चुनाव का जो पूरा एक एजेंडा होगा आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र के, वो उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द आके सिमटेगा। और जैसे उद्धव ठाकरे एक बुद्धा बनते जाएंगे, उनको लेकर सिंपैथी और बढ़ती जाएगी। इस बात को आप मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन भले ही उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान ना करे सीएम के तौर पर, लेकिन उद्धव ठाकरे ही चेहरा रहेंगे। दोस्तों, लोकपोल का महाराष्ट्र को लेकर ये हैरान करने वाला सर्वे क्या वाकई में बीजेपी को एक झटका दे सकता है, या फिर ये कांटे की टक्कर जैसी कोई स्थिति बता रहा है? अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो यकीन मानिए महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो प्लीज करें।